बड़ी खबर का रुख करते हैं योगी की ताजपोशी से। पहले दिल्ली में मंथन, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। यूपी में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी से मिले हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की है। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की है। शाम 6 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से शाम 7 बजे योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। होली के बाद 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत बीजेपी को यूपी में मिला है, ऐसा लगा मानो यूपी के अंदर एमवाई फैक्टर पर जोर तरीके से काम करता हुआ नजर आया। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक तरफ कांग्रेस में मंथन इस बात को लेकर कि हार क्यों हुई और कैसे आगे ना हो, और दूसरी तरफ बीजेपी जो जश्न की तैयारी में लगी है और इस बैठक के जरिए जो चाहे मोदी के साथ हो, शाह के साथ हो, नड्डा के साथ हो, जाहिर है इसमें भी बात होगी कि मंत्रिमंडल क्या होगा और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूत जमीन पर कैसे किया जाए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बार बहुत ज्यादा इस समय आत्मविश्वास में आ गई है। जहां पर चुनाव के आखिरी दिन तक भी नरेंद्र मोदी को 3 दिन तक लगातार वाराणसी रहना पड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का सवाल था कि क्या 225 तक आ जाएगी सीट। लेकिन अब इस तरह का मैंडेट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। आदित्यनाथ का जयपुर आना, वो भी दिल्ली पहुंचना, और दिल्ली में उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, वेंकैया नायडू से लेकर तमाम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए, 16 तारीख को शपथ लेंगे। लेकिन जो सबसे, और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना तमाम चीजें, और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस बार का जो शासन होगा वो और पुरजोर होगा, क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह यह है कि पिछली बार जो पहली बार सीएम बने थे, तब दिल्ली की तरफ से सुनील बंसल हो या काफी सारे हित जरूर थे, वो खुलकर काम करना चाहते थे, वो नहीं हुए थे। लेकिन अब इस बार वो चाहते हैं कि कैबिनेट में जो चेहरे हों वो पूरी तरीके से उनके हिसाब से हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में कैबिनेट और संगठन का उत्तर प्रदेश में काफी सहयोग रहा है, तो वो मिला जुला होगा। लेकिन नई योजना के साथ, और क्योंकि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में कैसा शासन रहता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसी के नाम पर वोट 2024 में मोदी को मिलेंगे। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यूपी को जो फतह करता है वो लोकसभा में भी फतह करता है, और इस हिसाब से बीजेपी का जो ग्राफ है यूपी में काफी हद तक बढ़ा, और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है।